तो हमें नहीं पता कि आप लोग ने इस वीडियो में क्या देखा, पर जो भी देखा सही देखा ऐसे ही देखते रहो ताकि हमारा व्यूज बढ़ता रहे और सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे, ठीक है। बट उस वीडियो में मुझे कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारे वीडियो में तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो, काम ज़्यादा नहीं बता रहे हो। और मुझे एक ही कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि काम ज़्यादा किया करो और बकबक कम किया करो, ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सुन का बता जाना अपन काम करे, इज्जत भारी भइल बका। तो देखो, जब मैं वो वीडियो बना रहा था तब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे यूट्यूब के बारे में कि कैसे बोलना है क्या नहीं बोलना है। बस अभी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ अपने आप को और थोड़ा बहुत ही कर रहा हूँ मैं, जितना हो रहा है हो रहा है। बट आज की इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके समझाने वाले हूँ कि कैसे अपना फ़ोन अपडेट करोगे, बिल्कुल आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक अपडेट आया हुआ है। अगर आपका है वीवो कंपनी का फ़ोन तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपडेट करोगे बिल्कुल आसान तरीके से, सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर अंदर। नमस्कार, मैं पर्दो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो चलो समझाता हूँ कि कैसे अपना फ़ोन अपडेट कर सकते हो। तो अभी पसीने को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि रात हो रही है और इतना ज़्यादा मतलब गर्मी है ना कि क्या है बताओ। तो चलिए सीधा चलते फ़ोन की स्क्रीन पर। अब आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना फ़ोन का सेटिंग्स को ओपन करना है, पे आप लोग आ चुके हो, ठीक है। अब आपने क्या पे यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ पर सिस्टम अपडेट या फोन अपडेट या मोबाइल अपडेट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है, ढूंढ लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम अपडेट, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हो ये मेरा 9% डाउनलोड भी हो चुका है, ठीक है। ये मैंने पॉज कर दिया, दोबारा वीडियो कट कर रहा हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे मान लो हम इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड इंस्टॉल पर, तो हमारे सामने टिप्स है, यू आर करंटली यूजिंग डाटा नेटवर्क कंटिन्यू, तो हाँ आप लोगों ने उस पर ही क्लिक कर देना अगर आप अपना नेट यूज़ करते हो अपने फ़ोन से। या मतलब ये है कि अगर आप अपना वाईफाई यूज़ करते हो, वहाँ पर कभी कभार दो ऑप्शन आ जाते हैं, वाईफाई और एक डाटा का। अगर आप अपने वाईफाई से करना चाहते हो तो वाईफाई से कर सकते हो, अदरवाइज अपने मोबाइल के डाटा से भी कर सकते हो। कोई डाउट है अपडेट के बारे में तो कमेंट करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करिए, उसका मैं आगे अगली वीडियो में आपको सोल्व कर दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट करिए, मैं आगे कोशिश करूंगा कि उसको मैं सोल्व करूँ। अब आपका भी होने लग गया होगा। और आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका फ़ोन का बैटरी है ना वो 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोन अपडेट नहीं होगा। तो इस बात का आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका हो रहा है, बस आप लोगों को क्या करना है, बस ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और अपने आप ही चालू हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरा फ़ोन चालू नहीं हो रहा मैं क्या करूं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अपने आप ही चालू होगा, अपने आप ही बंद होगा, ठीक है। अब बस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।